सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स आपकी लूपिंग में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में काम आती हैं। जंप स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको। अभी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ ली, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ ली, अब तीसरी जो स्टेटमेंट आती है जंप स्टेटमेंट्स। इसमें पहली होगी आपकी ब्रेक स्टेटमेंट। अब आपका, जैसे मैंने उस दिन दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में, कि वाइल लूप में जो था वो इनफाइनाइट जा रहा था, तो अगर आपको इनफाइनाइट नहीं ले जाना है या फिर किसी भी कंडीशन पे आपको उसको रोकना है, तो यू विल यूज ब्रेक। देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है कि आप ब्रेक जैसे ही आएगा पाइथन को, उसका ये मतलब समझ में आएगा कि आपको लूप छोड़ के अगली लाइन पे आ जाना है। जैसे ये जो लाइन है, ये लूप की स्टार्टिंग हुई, फिर उसके बाद ये लाइन्स रिपीट हो रही हैं, ये वाली। तो अब जब ये लाइन्स रिपीट हो रही हैं तो यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पे एरो बना के इन्होंने दिखाया है लूप टर्मिनेट्स, यहाँ पे लूप टर्मिनेट्स लिखा हुआ है। अब दिखता होगा थोड़ा क्लियर पहले से। स्टेटमेंट फोर, ये लूप की बॉडी छोड़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, जो आपकी स्टेटमेंट है अब। तो ब्रेक का ये काम होता है, फॉर में ये काम, फॉर में भी सेम काम होता है कि आपका लूप को छोड़ के बाहर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, मेन की स्टेटमेंट पे। अब आप सोचो कि मैं बार बार वर्ड मेन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेन का मतलब क्या है? मेन जैसे देखो, ये वाइल की बॉडी स्टार्ट होने से पहले जितनी स्टेटमेंट्स थी, उसके बाद वाइल की बॉडी स्टार्ट हुई, अब ये लूप स्टार्ट हो गया ना अंदर की, ये वाइल की बॉडी है पूरी, ये वाली जितनी है ये वाइल की बॉडी है, स्टेटमेंट वन और उसके अंदर ये इफ, टू और थ्री, ये पूरी वाइल की बॉडी है। अब इसके बाहर जो चीज़ें हैं वो सारी मेन है। मेन का मतलब होता है कि जहाँ से कोई भी आप वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो आराम से, मतलब उसमें अपडेशन, वेरिएबल, सब कुछ आप मेन में कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको फंक्शंस में पता चलेगी ये चीज़, मतलब तब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप फंक्शंस में आओगे। अभी आप इतना समझो कि जो लूप के, लूप जो है उसके बाहर जो इतनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेन में है। एक तरह से लूप भी आपका मेन में ही है, लेकिन अभी के लिए आप यही समझिए कि लूप को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी मेन में है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ए बी सी तीनों जीरो है, ये मेन की स्टेटमेंट है। देखो ये लाइन भी मेन की है, ये फॉर की बॉडी आ गई, ये वाली सारी, ये पूरी फॉर की बॉडी है, और फिर ये लाइन मेन में देखो। तो अब इन्होंने यहाँ पे ब्रेक का दिया है, तो जैसे ये ब्रेक लगेगा तो ये पूरा इफ एल्स दोनों छोड़ के प्रिंट पे आ जाएगा। ऐसा करके चलता है ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो आती है आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है, इनफाइनाइट लूप्स एंड ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे मैंने उस दिन दिखाया था आपको इनफाइनाइट लूप जा रहा था, तो आप उसमें कैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। और अब कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को क्या होगा, जैसे फॉर मान लो आपने फॉर चला रखा है, फॉर का लूप चल रहा है, वन टू थ्री फोर के लिए चलेगा। मान लो आपका थ्री पे आया, अब थ्री के लिए आपको कुछ ऐसा करना है कि वो उसके लिए चले नहीं। अब आपने चेक कर लिया इफ आई इज इक्वल्स टू थ्री, तो उसके बाद नीचे कंटिन्यू लगा दिया। देखो जैसे वाइल में यहाँ पे लगा हुआ है टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट इफ कंडीशन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब कि वो नेक्स्ट आइटरेशन कर लेगा, उस आइटरेशन के लिए वो, मतलब उस वैल्यू के लिए वो नहीं चलेगा। तो अब वाइल की टेस्ट कंडीशन है जैसे, उसके बाद स्टेटमेंट वन आई, फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये होगा कि वही नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, उस वैल्यू के लिए वाइल नहीं चलेगा या फिर फॉर नहीं चलेगा, उसकी नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं, नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो लूप चलेगा। अब नेक्स्ट चीज जो आपके पास आएगी वो पास। पास में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक लगा, ब्रेक की जगह पास लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास फॉर ये लिखा है, उसके बाद इफ की एक कंडीशन लगी है, अब इफ के अंदर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो इफ की बॉडी कैसे बनेगी? तो वहाँ पे आप ब्रेक लिखोगे तो आप बाहर आ जाओगे, कंटिन्यू लिखोगे तो फॉर की अगली स्टेटमेंट चालू हो जाएगी। तो आप ये दोनों यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। पास लिखोगे ना तो पास का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अब बस आगे बढ़ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। पास जैसे नॉर्मल पास करते हो ना, आगे बढ़ जाओ, वैसे करके पास, सिंपल। अब लूप एल्स स्टेटमेंट ये मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा देख लीजिए आप, इसमें डायग्राम के हिसाब से समझाया तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो जैसे ऊपर से चलता आ रहा है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर की बॉडी आई, ठीक है। अब स्टेटमेंट वन टू थ्री फोर, ये सारी फॉर की बॉडी में है, ठीक है। अब एल्स जब आएगा, एल्स फॉर का तब एग्जीक्यूट होता है जब फॉर टर्मिनेट होता है, यानी कि फॉर फॉल्स हो जाता है। ऐसे ही वाइल का होता है, जब फॉल्स हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
दोनों में यही होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोग्राम्स थोड़े मतलब बेसिक्स वाइल फॉर दोनों का लेकर आएंगे। उससे पहले मैं एक बार वाइल और फॉर का एक बार से क्विक रिवीजन कर दूंगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन जो हो वो एक बार दूर हो जाए। अब नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। जैसे ये फॉर की बॉडी वाली ये इतनी है और इस वाले फॉर की बॉडी इतनी है, पहले वाले फॉर की बॉडी इतनी है, इस लूप के अंदर इस वाले लूप के अंदर एक और लूप आ गया तो नेस्टेड लूप, मतलब एक के अंदर एक और लूप आ गया तो नेस्टेड लूप हो गया। ऐसे वाइल भी हो सकता है, इफ के अंदर इफ आ जाएगा तो नेस्टेड इफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके नेस्टेड वाला केस चलता है। आप इसमें नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड डिक्शनरी ये सब पढ़ोगे अभी आप। तो इस चैप्टर में इतना ही है, थ्योरी इतनी है। फॉर और वाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको मैं अभी उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिससे कि मतलब कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ। एक क्विक रिवीजन के बाद स्टार्ट करूँगा फॉर और वाइल के कुछ बेसिक सिंटैक्स प्लस कुछ बेसिक प्रोग्राम्स। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।